नमस्कार, मैं सृष्टि सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूं आवाज दिल्ली हर्ष टीवी के हमारी स्पेशल प्रोग्राम कितना सुंदर है हमारा झारखंड में। दिल के कोने से एक आवाज आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार हमसे कि जितना हम याद करते हैं उन्हें, क्या उन्हें भी हमारी याद आती है। सूरज वो जो दिन भर आसमान का साथ दे, चांद वो जो रात भर तारों का साथ दे, दर्शक वो जो जिंदगी भर जुड़े रहे, और आवाज दिल्ली हर्ष टीवी वो जो पल पल आपके साथ रहे। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। सूरज आसमान का साथ देता है, जिस तरह चांद रात भर तारों का साथ देता है, वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हम लोगों को एक ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम आपको इस कोरोना महामारी के दौरान अपने चैनल के माध्यम से झारखंड के हर उस पर्यटक स्थल का दर्शन कराने की कोशिश करते रहते हैं जो झारखंड का धरोहर माना जाता है। उसी तरह का एक धरोहर जहाँ हम आज आपको लिए जा रहे हैं, वह भारत के झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले में स्थापित एक तीर्थ स्थल है। यह हजारीबाग से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ छिन्नमस्तिका मंदिर की, जो रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित है। तो अपने मन को शांत कर ले और अपने माहौल को खुशनुमा बना ले, ताकि इस खुशनुमा माहौल में हम आपको माता के दर्शन अपने कैमरा की नजरों से दिखा पाए। तो चलिए हम आपको माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन करवाते हैं। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को प्रचंड चंडिके के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिला खंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। इसे शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कई मंदिर हैं जिनमें अष्टभविका और दक्षिणकाली प्रमुख है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ माँ के दरबार में श्रद्धालुओं का अधिक भीड़ देखने को मिलती है। यह असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया में शक्तिपीठ के रूप में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर लोकप्रिय है। माँ के शिलाखंड में तीन आंखें हैं। कमल पुष्प पर खड़ी माँ का बायां पांव आगे की ओर है। पांव के नीचे उल्टी मुद्रा में कामदेव और रति सोए हुए हैं। सर्पों और मुंडों की माला सुशोभित है। माँ के इस मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में स्थान पर रोजाना 100 से 200 बकरों की बलि दी जाती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भूख से तड़पती माँ छिन्नमस्तिके ने अपना ही सिर काट लिया था, जिस कारण इन्हें छिन्नमस्तिका कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ही रौद्र है। मंदिर का निर्माण लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ था। मंदिर में 6000 वर्ष पहले माँ छिन्नमस्तिका की जो मूर्ति है, वह पूर्व काल में स्वतः अनुदित हुई थी। यहाँ माँ छिन्नमस्तिका की प्रथम पूजा आरती चावल, गुड़, घी और कपूर से की जाती है। दोपहर 12 बजे खीर का भोग लगता है। भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर का द्वार बंद किया जाता है। संध्या काल में श्रृंगार के समय पूजा होती है और आरती होने के बाद शाम में मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। रजरप्पा मंदिर जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए एकांतवास में साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति में जुटे रहते हैं। नवरात्रि में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों से साधक यहाँ जुटते हैं।
झारखंड में आदिवासियों एवं स्थानीय जनजातियों में संथाली देवी छिन्नमस्तिका है। यहां दुर्गा पूजा के दिन सबसे पहले आदिवासियों द्वारा लाए गए बकरे की बलि दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जब मुगलों का शासन था तब वे कई बार छिन्नमस्तिका पर आक्रमण कर मंदिर को ध्वस्त करना चाहते थे, पर वे सफल नहीं हो पाए। धर्म ग्रंथों में ऐसी चर्चा है कि अकबर को जब माँ छिन्नमस्तिका के बारे में पता हुआ तो वे भी अपनी पत्नी के साथ छिन्नमस्तिका के दर्शन करने आए। जब भारत में ब्रिटिश शासन था उस वक्त कई अंग्रेजों ने माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करने आते थे। झारखंड की राजधानी से लगभग 70 किलोमीटर तथा हजारीबाग से लगभग 80 किलोमीटर है यह मंदिर, तथा मंदिर के निकट ठहरने के लिए भी उत्तम व्यवस्था है। मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क है। यह पर्यटक स्थल का एक मुख्य केंद्र है। सुबह से शाम तक मंदिर पहुंचने के लिए बस टैक्सियां उपलब्ध है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें ऊर्जा प्रदान करते रहिए, ताकि हम आपको झारखंड के और भी तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाते रहें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कीमती कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम इस प्रोग्राम को और भी बेहतर बना सके। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले।